सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है पर उसकी अहमियत नहीं पता होती। खूबसूरत होते हैं वो पल जब पलकों में सपने होते हैं, चाहे जितने भी दूर रहें, अपने तो अपने ही होते हैं। सफर छोटा ही सही यादगार होना चाहिए, रंग सांवला ही सही वफादार होना चाहिए। आज का पंचांग 23 जून 2020 दिन मंगलवार, अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 11:19 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र दोपहर 1:33 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:44 से 5:24 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:55 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर सुबह 7:35 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 23 जून 2020 दिन मंगलवार, रिश्ते का अंत होने के कारण दिल के मामले अभी बीच मजेदार में हैं। अपने कनेक्शन को बचाने के लिए वो शब करें जो आप चाहते हैं, किंतु अगर जरूरत हो तो उसे जाने दें। अभी आपकी कड़ी मेहनत को नोटिस किया जा रहा है। पदोन्नति और वेतन में वृद्धि भी आपके नाम है। आज मित्रों और परिचितों से मिलने का सुनहरा मौका है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत होते हैं। देखभाल दूरी बिछड़ने या समय के साथ भी मित्रता को जीवित रखती है। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, किंतु मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीतता। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को ग्रह गोचर पूरी तरह से अपने कर्म पर विश्वास रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। आप जितना अपने काम पर ध्यान लगाएंगे उतना ही फायदा होगा, अर्थात अपने कर्म द्वारा ही भाग्य का निर्माण करना है। आप में आज ऊर्जा अधिक बनी हुई है, किंतु उसे उचित दिशा में लगाने का अवसर नहीं मिल पा रहा। इस कारण अपने मन में कोई तनाव ना होने दें। अवसर यदि नहीं मिल रहा है तो अवसर अपने आप बनाने का प्रयास करें। आज कुछ नया आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। कोई नई योजना बनाए किंतु उस पर काम करने की भी आवश्यकता है। सावधानियां, कभी कभी आपके व्यवहार में शक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से भाइयों में कोई मतभेद होने की आशंका है। अतः अपने व्यवहार में लचीलापन रखें। थोड़ी सी सावधानी आपको कई परेशानियों से बचा सकती है। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम जीवन में आई समस्याओं का सामना पूरे दिल से करें और अपने बीच की गलतफहमियों को जितनी जल्दी हो सके दूर कर लें। अपने साथी के कारण ही आपका जीवन गुलजार है, जो आपको खुश और शांत रखता है। इन पलों को अपने मन में हमेशा के लिए संजो कर रख लें। अपने पार्टनर को अपने प्यार और केयर का हर संभव तरीके से एहसास कराएं। एक दूसरे की देखभाल करना सफल मित्रता की चाबी है और प्यार का दूसरा नाम है। अपने दोस्तों और साथी का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि वो आपके जीवन की अहम कड़ी है। आज नए संबंधों के बनने का भी योग है। करियर की बात करें तो नए पैसे और पेशे में परिवर्तन आपको आजीविका के नए साधन प्राप्त कर सकता है। परिणामों से न घबराते हुए आगे बढ़ने के लिए यह समय उचित है। सार्वजनिक मामलों में पढ़ने की जगह अभी अपनी मंजिल की तरफ नजर रखें। समस्याएं धीरे धीरे आपकी सफलता के लिए मार्ग बना रही है। आज आपको पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे जीवन में नयापन आएगा। जिन लोगों के आप ज्यादा करीब हैं, उनके संबंध आगे बढ़ें। देखभाल करना
दोस्ती को जीवित रखने का सबसे पहला चरण है। जितना हो सके लोगों से बातचीत करें और खुद को अपडेट रखें। अच्छे संबंध भावनात्मक सुरक्षा के साथ नया नजरिया भी प्रदान करते हैं। सेहत की बात करें तो आगे बढ़ें और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करें, लेकिन आप अपने लक्ष्य से डगमगाएं नहीं, क्योंकि आपके द्वारा बढ़ाए गए कदम आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं। सेहत से संबंधित परेशानियां आज खत्म हो जाएगी और उसके बाद आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। क्यों ना आप व्यायाम करना शुरू कर दें, जो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आज आप बजरंग बली को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।